पंजाब के बाद अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन की एक और फिल्म को लेकर विवाद हो गया है और उस फिल्म का नाम है हराम खोर। सेंसर बोर्ड ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। बोर्ड ने फिल्म की थीम पर आपत्ति जताई है। फिल्म हरामखोर एक स्टूडेंट और टीचर के रोमांस पर बेस्ड है। हरामखोर का डायरेक्शन श्लोक शर्मा ने किया है। CBFC को फिल्म की थीम पर एतराज है। उनका कहना है कि टीचर सोसाइटी का रिस्पेक्टेबल फिगर होता है, जबकि फिल्म में एक टीचर और एक टीनेज स्टूडेंट के बीच अवैध संबंधों को दिखाया गया है। बच्चों द्वारा क्राइम कमिट करना आदि इस फिल्म को किसी सर्टिफिकेट के लायक नहीं बनाता, इसलिए थीम के चलते सर्टिफिकेट की मांग खारिज की जाती है। उड़ता पंजाब पर भी CBFC की कुछ ऐसी ही राय थी। खैर, अब इस फिल्म का क्या होता है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।